राज्य जनता के लिए जो जिम्मेवारी है उसको निभाना है और हम लोग बोलते भी हैं कि 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्य में है, उससे प्रभावित होने वाले लोगों के विषय को लेकर कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं थी। सरकार एक नीति बनाएगी, राज्य जनता के लिए जो जिम्मेवारी है उसको निभाना है और उसमें अधिक से अधिक गति देने का हम सभी लोगों का उद्देश्य है। इसलिए आज पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है, उसके उपरांत हम सभी लोग मंत्रिमंडल में भी हम लोगों ने बैठक भी की, सब लोग कल से अपने अपने कार्यों में लगेंगे और आज एक छोटा सा और इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो, ऐसा एक हम लोगों ने विचार रखा। क्योंकि राज्य में आप सबको पता है कि माइनिंग गतिविधियां सबसे अधिक चलती हैं, विभिन्न तरीके के माइनिंग एक्टिविटीज यहां पर होती हैं और हम लोग बोलते भी हैं कि 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्य में है, पूरे देश का। लेकिन उससे प्रभावित होने वाले लोगों के विषय को लेकर कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं थी। जो विस्थापित हुए या जो विस्थापित होने वाले हैं उन लोगों के लिए, और आज हम लोगों ने बहुत जल्द विस्थापन आयोग बनाने का आज कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा है और इस पर अब हम लोग बहुत जल्द एक मसौदा तैयार करेंगे। सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी हम लोग करेंगे, एक डाटा बेस तैयार किया जाएगा जिससे सभी माइनिंग क्षेत्रों में उतार चढ़ाव को हम लोग समझ सकें और एक दस्तावेज हो इस राज्य में हो रहे माइनिंग गतिविधियों को लेकर, उसका प्रभाव को लेकर हमारे लोग क्या खोते हैं, क्या पाते हैं, किनको क्या मिला नहीं मिला, इसका प्रभाव क्या है, इसको लेकर हम लोग बहुत जल्द उसका एक मसौदा तैयार करेंगे। और जो यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनको खेत खलिहान घर द्वार छोड़ना पड़ता है, उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए हम लोग सरकार एक नीति बनाएगी और इस नीति के साथ हम लोगों को जो लोग प्रभावित लोग हैं उन पर और उनके लिए हम लोग काम करेंगे।